आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 658वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रकृति से रूबरू कराते हैं। घरों के आसपास अगर आप हरियाली रखते हैं तो पक्षी आपके घर के आसपास आते हैं। पक्षी घरों के आसपास अपना कलरव करते हैं। ये देखिए, एक भारद्वाज पक्षी आपको दिखाई दे रहा होगा, कोयल की तरह जो होता है भारद्वाज पक्षी। और गर्मी में आप अगर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं तो उससे ज़्यादा आनंद की अनुभूति आपको शायद ही हो। गौरैया, जिसे विलुप्त की श्रेणी में रखा जाने लगा है, देखिए गौरैया सिवनी शहर में आपको दिखाई दे रही होगी। एक नहीं, अनेकों गौरैया आपको हम यहाँ अभी दिखाते हैं। कितनी सारी गौरैया, ये देखिए गौरैया बैठ के बर्ड फीडर में, दो गौरैया बैठ के खा रही हैं, एक गौरैया ऊपर बैठी हुई नज़र आ रही होगी। घरों में आप इस तरीके का बर्ड फीडर लगाते हैं, देखिए कितनी गौरैया एक के बाद एक आती हुई दिख रही होंगी। कई तरह के पशु पक्षी कई तरह के पक्षी आपके घरों के आसपास कलरव करते नजर आएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो, ये देखिए एक ये पानी पीने एक गौरैया आई और उसके बाद ये दाना चुगने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ बैठी हुई नज़र आ रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 658वें एपिसोड को आप देख रहे हैं। भारद्वाज पक्षी यहाँ दिख रहा होगा, बहुत बड़ा पक्षी होता है, कोयल की तरह ही ये दिखता है, पर कोयल जैसी इसकी आवाज़ नहीं होती है, इसकी आवाज़ कुछ अलग तरह की होती है। गौरैया आपको दिख रही होगी, जिसे अब लोग ये मानते हैं कि गौरैया विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए बर्ड फीडर में गौरैया बैठ कर कितने इत्मीनान से यहाँ खाती हुई नज़र आ रही होगी, और बाजू में एक गौरैया अपनी बारी का इंतजार कर रही है, ऊपर दो गौरैया बैठी हुई नज़र आ रही होंगी, और लाइट के ऊपर भी आपको एक गौरैया तीन गौरैया यहाँ पर नज़र आ रही। ये गौरैया अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि नीचे वाली जो गौरैया बैठी हैं, ये देखिए ये भी एक इंतजार करती हुई दिख रही होगी। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा गौरैया आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। बर्ड फीडर अगर रखते हैं, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं, तो आपकी नींद इनके कलरव के साथ ही खुलेगी, इस बात की तो गारंटी दी जा सकती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कितने आसपास वृक्ष हरे हरा भरा हरियाली आपको दिख रही होगी। इस हरियाली के चलते ही घरों के आसपास पक्षियों का आना जाना, ये देखिए भारद्वाज पक्षी कितने इत्मीनान से यहाँ पर टहलता हुआ नज़र आ रहा होगा। घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर भारद्वाज पक्षी यहाँ पर घूमता फिरता नज़र आ रहा है। आपको ऐसे दृश्य गांव में ही बहुधा देखने को मिलते होंगे, शहरों में इस तरीके के दृश्य शायद ही आपको देखने को मिलते हों। ये देखिए एक अलग तरह की यहाँ पर चिड़िया भी हम आपको दिखाते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर चिड़िया, और इस तरीके की न जाने कितनी चिड़िया आती जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये जो आप देख रहे हैं गिलोय की बेलाएं दिख रही होंगी, गिलोय की बेलाओं को, गिलोय के जो फल होते हैं उन फलों को ये चिड़िया खाती हैं, जो फल पक जाते हैं लाल हो जाते हैं उन फलों को बहुत सारी चिड़िया आकर खाती हैं। बहुत कई प्रजाति की चिड़िया आपको आपके घरों के आसपास दिखाई देंगी, और एक नहीं अनेक चिड़ियाँ आती हैं, अनेक प्रजातियों की चिड़ियाँ आपके घरों के आसपास आएंगी, ये तय मान लीजिए। यहाँ आपको दिख रही होंगी दो से तीन चिड़िया, ये एक ऊपर पूंछ दिख रही है एक चिड़िया की, ये बैठी हुई है एक चिड़िया यहाँ नज़र आ रही होगी। इसीलिए घरों के आसपास हरियाली रखें, दूसरी चिड़िया यहाँ दिख रही है आपको। घरों के आसपास आप हरियाली ज़रूर रखें। ये गिलोय की बेलाएं दिख रही होंगी, गिलोय की बेलाओं पे वहाँ देखिए वो सामने दिख रहा है भारद्वाज पक्षी, हूबहू ये कोयल की तरह ही दिखाई देता है, पर ये भारद्वाज पक्षी है। जो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको भारद्वाज पक्षी अलग ही उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी, और ये भारद्वाज पक्षी आप अपने घरों के आसपास देख सकते हैं, गौरैया अपने घरों के आसपास देख सकते हैं, कई तरह की चिड़िया
बहुत लंबी चोंच वाली छोटी छोटी सी चिड़िया आती हैं, एक बंचेस में जो इकट्ठी चिड़िया रहती हैं, वो चिड़िया भी आपको आपके घरों के आसपास घूमती फिरती दिखाई दे सकती हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 658वां एपिसोड। कितना सुंदर नज़ारा, मन को कितना सुकून देता होगा इस तरीके का नज़ारा। इनका कलरव जब सुनाई देता है सुबह सवेरे पौ फटने के पहले, जब चिड़िया की चहचहाट और अन्य पक्षियों की का कलरव अगर आपको सुनाई दे, मिट्टुओं की आवाज़, ये इससे अगर आपकी नींद खुल रही है तो आपको यही प्रतीत होगा मानो आप आज से एक 2-3 दशक पहले जब आप गांव जाया करते थे अपनी नानी के यहाँ अपनी दादी के यहाँ, तब आपको इस तरीके की अनुभूति हुआ करती होगी कि गांव में सुबह उठते ही जो अधेड़ हो चुकी है पीढ़ी, 50 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें जब स्कूल जाने के लिए उठाया जाता था तो यही कहा जाता था, देखो कौआ आया, देखो चिड़िया आई, देखो ये मोर आया, तब बच्चे उठा करते थे। आज बच्चों को डोरेमोन, नोबिता, ये टीवी के कैरेक्टर्स को दिखाकर उठाया जाता है, और अब तो और नए नए न जाने कितने कैरेक्टर्स आ गए हैं। बच्चों का बचपन सब कुछ सिर्फ टीवी में ही या मोबाइल में ही सिमट कर रह गया है, जो बहुत दुखद माना जा सकता है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 658वां एपिसोड। इतने करीब से आपने पक्षियों को शहर के अंदर तो शायद ही देखा हो, जहाँ हरियाली होगी शहर के अंदर वहाँ अलबत्ता ये पक्षी दिखाई दे जाते होंगे, पर ये दरअसल जहाँ हरियाली होती है वहाँ छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, और उन कीट पतंगों को ये सारे पक्षी अपना निवाला बनाते हैं। इसके साथ ही अगर आप इनके लिए खाने के लिए इनके दाना रखते हैं, चावल या ज्वार बाजरा इस तरीके की चीज़ें रखते हैं, तो ये आपके घरों के आसपास सुबह और शाम बिना नागा पहुँचेंगे। देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि चिड़िया जो बंच में रहती हैं इकट्ठी, करीब 10-12-15 चिड़िया इकट्ठी, ये सब स्नान करके यहाँ बैठी हुई हैं। ये पानी जो इनके लिए चिड़ियों के पीने के लिए रखा हुआ, उस पानी में ये स्नान करके अपने बदन को सुखा रही हैं। कितने आनंद की आपको अनुभूति होती होगी आपकी छत पर जब ये चिड़िया आके कलरव करती हैं, ये चिड़िया शोर करती हैं, आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। कितनी सारी यहाँ पर दिख रही होंगी सारी की सारी चिड़िया दिखाई दे रही हैं। घरों के आसपास हरियाली रखें, पक्षियों के लिए सुखद वातावरण रहे, उन वे बिना किसी डर के स्वच्छंद होकर आपके घरों के आसपास घूम सके, विचरण कर सकें, इस तरीके का आप वातावरण अगर रखते हैं तो आपको इसी जीते जी ही एक स्वर्ग की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। ये देखिए एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं पक्षियों, ये जो पक्षी हैं, ये गौरैया, देखिए गौरैया यहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है। गौरैया को जिसे अब लोग कहते हैं कि गौरैया विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने की कगार पर है, पर हमने आपको एक दर्जन से ज़्यादा गौरैया दिखाई। एक बार फिर ये देखिए भारद्वाज पक्षी यहाँ पर दीवार पर बैठा हुआ, चार दीवारी के ऊपर बैठा हुआ, और अपने उदर पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ झांक रहा है कि उसे कुछ कीट पतंगे मिल जाएं। एक और चिड़िया है जो हम आपको बाद में, जिसके बारे में अगर वो कभी सामने कैमरे में कैद हुई तो हम आपको दिखाएंगे, जो उड़ती हुई तितली को पकड़ लेती है। अगर कोई चिड़ा उड़ रहा है तो उड़ते हुए चिड़े को वो अपनी चोंच में दबोच लेती है, और उसके भी यही एक उसके लिए घर बनाया हुआ है, जिस घर में उसके द्वारा अंडे दिए गए और बच्चे उसके वहीं से बड़े होकर भ्रमण को निकले। और वे ये वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है, अगर आप अपने प्रकृति से अगर आप प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपसे प्रेम करना आरंभ कर देगी। आज के समय में ये सब देखना बहुत ही दुर्लभ लगता है, पर ये संभव हो सकता है अगर आप घर के आसपास हरियाली रखते हैं, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं,
उनके लिए ज्वार बाजरा और चावल जौ जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बर्ड फीडर, आप बर्ड फीडर में अगर डालते हैं तो सुबह 4:30-5 बजे से, गर्मियों के दिन में तो 4:45-5 बजे से ये सारे के सारे पक्षी आकर आपको उठाने के लिए जतन करने लगते हैं। इतना कलरव आपके आसपास, इतना शोर करते हैं कि आप उठने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप वास्तव में गांव का जीवन एक बार फिर जी रहे हैं। इसलिए हरियाली अपने आसपास जरूर रखें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 658वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।